देश में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम, बीते 24 घंटे में 14,933 नए मामले, कुल आंकड़ा 4,40,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 312 लोगों की ली जान, अब तक 14,011 लोगों की हो चुकी है मौत। देश भर में बीते 24 घंटे में 10,994 मरीजों ने कोरोना को दी मात, अब तक 2,48,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 7,721 नए केस, कुल आंकड़ा 1,35,000 के पार पहुंचा, अब तक 6,283 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 68,410 लोग संक्रमित, 3,844 मरीजों की गई जान। मुंबई में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बीएमसी मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग की करेगी शुरुआत, 1,00,000 एंटीजन किट्स खरीदी जाएंगी। एंटीजन किट से आधे घंटे में पता चल जाएगा कोरोना का संक्रमण, निजी अस्पतालों को भी एंटीजन किट्स खरीदने के बीएमसी ने दिए निर्देश। मुंबई के धारावी में कोरोना के 5 नए मामलों की पुष्टि, एक मरीज की मौत, अब तक 81 मरीजों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ उछाल, 3,947 नए केस, कुल आंकड़ा 66,600 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 68 मरीजों की मौत, अब तक कुल 2301 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना के 133 नए मरीज, अब तक 4,654 लोग हो चुके हैं संक्रमित। दिल्ली के राधास्वामी सत्संग में बनाए गए कोविड केयर सेंटर के लिए डॉक्टरों और नर्सों की जरूरत, सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में टेस्ट करवाने के नए नियम से सरकार परेशान, कहा पुरानी व्यवस्था में मरीज के घर जाती थी टीम, एलजी से बदलाव की अपील। कोरोना का की दवा के बाबा रामदेव के दावे पर आयुष मंत्रालय ने झाड़ा पल्ला, विज्ञापन रोकने का दिया निर्देश। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कोरोना की दवा कोरोना लॉन्च की, ट्रायल का भी दावा किया। हरियाणा में फिक्स किए गए कोरोना टेस्टिंग के दाम, 2400 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट। कोविड टेस्ट के हमने रेट फिक्स कर दिया, 2400 रुपए से ज्यादा कोई नहीं ले सकता। होम क्वारंटीन में गए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, कोरोना होने का शक। तमिलनाडु में कोरोना के मामले 62,000 के पार, अब तक 794 मरीजों की मौत, 34,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। गुजरात में बीते 24 घंटे में 565 नए मामले, कुल आंकड़ा 27,800 के पार, अब तक 1,684 मरीजों की गई जान। चीन से तनातनी के बीच मॉस्को में रूस के डेप्यूटी पीएम से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा उपकरणों की तुरंत सप्लाई को लेकर चर्चा। एलएसी पर विवाद के बीच काफी अहम है राजनाथ सिंह का रूस दौरा, S-400 ट्रम्प एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी की मांग। चीन से तनातनी के बीच लेह पहुंचे सेना प्रमुख मनोज नरवणे, एलएसी पर तैयारियों और रणनीतियों की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने 14 कोर के कमांडरों से की मुलाकात, एलएसी पर चीन की गतिविधियों को लेकर माथापच्ची। एलएसी के पास बढ़ेगी आईटीबीपी की चुनौती, चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 35 कंपनियों को लगाने की तैयारी। जासूसी कांड के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया झटका, दिल्ली के पाक उच्चायोग से 50% तक स्टाफ कम करने का निर्देश। कन्याकुमारी में सेना और बीएसएफ के जवान क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं से नहीं है खुश, वीडियो जारी कर सुनाया अपना दुख दर्द। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में कोरोना मरीजों का जाना हाल, महाकाल का लिया आशीर्वाद। दिल्ली के सूर्या होटल में कोरोना अस्पताल में बदला गया, कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाएं शुरू की गई। मुंबई के मलाड में दो मुस्लिम युवकों ने पेश की मिसाल, कोरोना मरीजों को फ्री में दे रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। बेंगलुरु में निलंबित आईएएस अधिकारी विजय शंकर ने की आत्महत्या, आईएमए पूंजी घोटाले में थे आरोपी। यूपी के कासगंज में एसआईटी की जांच में एक महिला समेत 5 और फर्जी शिक्षक मिले, बीएसए ने दर्ज कराया केस। चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 17 में बैंक ऑफ इंडिया के लोकल दफ्तर के पीछे साइकिल ट्रैक पर मिला लड़की का कटा हुआ पैर, हत्या की आशंका। देवबंद में टीवी पर मनपसंद कार्यक्रम देखने के विवाद में 3 बहनों ने खाया जहर, एक की मौत, 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर में आइसक्रीम के ठेले को ले जाते पुलिस वाले का वीडियो वायरल, हफ्ता नहीं मिलने से था नाराज, जांच के आदेश दिए गए। पटना से राघोपुर ले जाने वाला पीपे का पुल खोला गया, नाव पर ट्रैक्टर और कार लादकर गंगा पार करने को मजबूर लोग। मध्य प्रदेश में सरकारी लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगने से सड़ा, खरीदी केंद्रों में रखरखाव के अभाव में भीगा गेहूं। लॉकडाउन में फंसे 22 मजदूरों को
भोजन से लाया गया पाकुड़, काम नहीं मिलने से खाने पीने की आ रही थी दिक्कत। नेपाल के बीरगंज में नए सिटीजनशिप बिल के विरोध में उतरी जनता, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मेरठ में बिना लाइसेंस के चल रहा था पेट्रोल पंप, एडीएम सिटी ने मारा छापा, सेल्समैन समेत दो गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। पानीपत में एक मुस्लिम परिवार के 35 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपनाया, परिवार के मुखिया ने 9 साल तक हरिद्वार में की तपस्या। पानीपत के आसन गांव में शिव मंदिर में यज्ञ के बाद अपनाया हिंदू धर्म, बोले औरंगजेब के समय दबाव में बदला था धर्म। चंद्रपुर में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मोटरसाइकिल की सजाए अर्थी। ठाणे में मनसे के कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा, अनोखे तरीके से प्रदर्शन। ठाणे के वर्तक नगर में दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने उड़ाई नकदी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। भीलवाड़ा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कालू गुर्जर ने आईटी एक्ट के तहत पुलिस में दर्ज कराया केस, उनके मोबाइल से बीजेपी के कई ग्रुप्स में भेजे गए अश्लील वीडियोस। होशियारपुर में ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर पर अश्लील बातें करने का आरोप, छात्राओं ने परिजनों का हंगामा, कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन। मेरठ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 5 गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों को ठग चुका है गिरोह। गोड्डा में चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 लोगों को बांध कर पीटा, जेल में एक की मौत, मृतक की पत्नी ने पुलिस पर इल्जाम, इलाज में लापरवाही और 50,000 की घूस मांगने का आरोप लगाया। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर शहीद दीपक कार्की का अंतिम संस्कार, नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में हुए थे शहीद। भिवंडी के क्वारंटीन सेंटर से कोरोना संक्रमित हत्या का आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागा, पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की। धौलपुर में अंबेडकर छात्रावास में बने क्वारंटीन सेंटर से माल अपराधी फरार, मोबाइल चोरी में पकड़े गए आरोपी की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। फरुखाबाद कोतवाली में तैनात सिपाही ओम प्रकाश शर्मा की कोरोना से मौत, कानपुर में इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में निजी अस्पताल की नर्स कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने अस्पताल को सील किया। फतेहपुर के जिला अस्पताल में नर्सों पर गर्भवती महिला की पिटाई का आरोप, रोते बिलखते दृष्टिहीन पति और उनकी मां की वीडियो वायरल। कानपुर के जिला प्रोबेशन अधिकारी ने मीडिया संस्थानों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, राज्य के बालिका सुधार गृह में बच्चियों के गर्भवती और संक्रमित होने की खबर दिखाने से नाराज। लखनऊ में कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए मुस्लिम समाज ने चित्रगुप्त मंदिर में किया विशेष हवन, गलवान घाटी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पटना में जलजमाव से परेशान रिटायर्ड डीएसपी के चंद्रा ने गोली मारकर सुसाइड किया, सर्विस रिवॉल्वर घर में मारी गोली, सुसाइड नोट पर आमद। इटावा में मॉनसून की पहली बारिश में अंडरग्राउंड पुल लबालब भरा, कोरोना मरीजों को लेकर आ रही एम्बुलेंस घंटे भर फंसी रही। सुल्तानपुर में कोरोना मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत, घर वालों ने मरीज की बॉडी लेने से कर दिया था इनकार। बाराबंकी पुलिस के हेड कांस्टेबल दिलबहार यादव को एसपी ने किया बर्खास्त, पशुपालन विभाग में आटे का ठेका दिलाने के नाम पर ठेकेदार से वसूले थे करोड़ों रुपए। अमरोहा में खेत में बकरी घुसने के विवाद में हत्या, खेत मालिक ने घर में घुसकर बकरी वाले को मारी गोली। गाजीपुर में चोरी के शक में एक शख्स के कपड़े उतारकर बेरहमी से पीटा गया, बाद में पुलिस के हवाले किया गया, पिटाई का वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के ऊना में दर्दनाक हादसा, ट्रक के नीचे आया स्कूटी सवार, मौके पर ही मौत। नजफगढ़ में थाने से चंद कदमों की दूरी पर 2 ज्वेलरी शोरूम्स में बदमाशों ने चलाई गोलियां, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से फौजी मुठभेड़, गोलीबारी में 2 का सफाया, जवाबी एक्शन में जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से बरामद की 2 AK-47 राइफलें, सर्च ऑपरेशन जारी, जम्मू कश्मीर में जून महीने में अब तक 30 आतंकी ढेर। तमिलनाडु के थुतुकुडी में कारोबारियों का प्रदर्शन, पुलिस कस्टडी में बाप बेटे की मौत का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पत्नी के साथ जलती चिता में कूदा एक शख्स, लोगों ने बचाया तो कुएं में कूद कर दे दी जान। दिल्ली के कीर्तिनगर में लावारस कार में मिला 4 साल के बच्चे का शव, कल शाम से गायब हुआ था मासूम। झारखंड में महिलाओं ने संकट काल को अवसर में बदला, मास्क, पीपी किट और फेस शील्ड बनाकर कमाए 3.5 करोड़।
सखी मंडल की महिलाओं ने 16 लाख मास्क, 1000 से ज्यादा पीपी किट, फेस शील्ड और 7 सैनिटाइजर बोतल बनाए। बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल रहे हैं ऑर्डर्स। कानपुर में एक कलाकार ने मोदी के रूप वाले घड़े बनाए, बिक्री बढ़ने से है खुश। यूपी के डाकघरों में सैनिटाइजर की बिक्री शुरू, 7 ml से लेकर आधा लीटर तक की बोतलें हैं उपलब्ध। धौलपुर में एक बेटी ने समाज को दिखाई नई राह, भाई नहीं होने पर पिता को दी मुखाग्नि। असम के 4 जिलों में बाढ़ का कोहराम, करीब 30,000 लोगों पर असर, अब तक 11 लोगों की मौत। पटना में भारी बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को दी एहतियात बरतने की सलाह। बिहार के पश्चिमी चंपारण में भी भारी बारिश लगातार बढ़ रहा है, गंडक नदी का जलस्तर। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र में झमाझम बारिश, वाशिम में खेत बने तालाब, फसल बर्बाद होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई में एक जोड़े ने चर्च में सादे समारोह में रचाई शादी, बचे हुए पैसों से क्वारंटीन सेंटर में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए। किन्नौर के सरहदी इलाकों में गांव वाले चीन से किसी भी मुकाबले को तैयार, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कोई भी बलिदान देने की खाई शपथ। आगरमालवा में 40 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय फ्लाइट्स को अमेरिका से 30 दिन पहले लेनी होगी मंजूरी, अमेरिकी फ्लाइट्स के साथ भेदभाव के नाम पर फैसला। पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए दिए 2,000 करोड़, प्रवासी मजदूरों के लिए भी 1,000 करोड़। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम ने पोर्टल पर बिक्री के लिए रजिस्टर करने वाली कंपनियों पर लगाया नया नियम, बताना होगा देश का नाम। कोरोना वेयर से जोड़कर कोरोना के विज्ञापन चलाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कंपनी ने लगाई थी गुहार। 15 जुलाई को होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ईजीएम, वर्चुअल तरीके से होगी देश की सबसे बड़ी कंपनी की सालाना बैठक। अगले महीने लॉन्च होगी नई जनरेशन होंडा सिटी, अगस्त में हो सकता है किया सोनेट का आकाश। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत अनुदिता हेल्थ केयर ने बड़े पैमाने पर शुरू किया N95 मास्क का उत्पादन, स्वास्थ्य कर्मियों को कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। मैक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 4 लोगों की मौत, कई घरों को नुकसान पहुंचा, कई लोग सड़कों पर आए। मैक्सिको में सुबह 10:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, सहम गए लोग, दहशत में नजर आए। इसराइल के वेस्ट बैंक में पुलिस ने एक फिलिस्तीनी नागरिक की गोली मारकर हत्या की, फिलिस्तीनी नागरिक पर सेना के एक अफसर पर कार से टक्कर मारने की कोशिश करो। ब्रिटेन में 4 जुलाई से खोले जा सकते पब, रेस्टोरेंट और होटल्स, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा लोग अगले महीने से जिंदगी का मजा ले, लेकिन एहतियात बरतें। वॉशिंगटन में नस्ल भेद विरोधी आंदोलन के दौरान व्हाइट हाउस के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। दुनिया भर में 92 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, 4,74,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 24 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, 1,22,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है वायरस। ब्राजील में फुल स्पीड में है कोरोना, 11 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या, अब तक 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में 6 लाख के करीब कोरोना के मरीजों की तादाद, 8,300 से ज्यादा लोगों की मौत। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हमेशा के लिए लगाए जाएंगे थर्मल कैमरे, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की तैयारी।